फसलों के दाम नहीं तो वोट नहीं। जब तक इस सरकार को वोट की चोट नहीं दोगे, ये दोनों बाहरी लोग हैं, इनको यहां से जाना होगा। अमित शाह, मोदी और योगी ये चुनाव जीत का है, ये उत्तराखंड से चुनाव जीत के प्रधानमंत्री बने, कोई ऐतराज नहीं। उत्तर प्रदेश की जमीन से जीत के गुजरात में गुंडागर्दी के दम पे आना हो, वहां पे पुलिस स्टेट है, वहां पे जीत के देश का प्रधानमंत्री बने, कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जमीन पे ये दंगा करवाने वाले लोग हैं, इनको यहाँ पे बर्दाश्त यहाँ की जनता नहीं करेगी। ये मिशन जो संयुक्त मोर्चे का है ये तय हो चुका है, और हम वो 28 तारीख की याद आप सबको याद होगी, वो 28 तारीख की याद भी याद कर लेना, वहां पर ना मुसलमान बचना था और ना सरदार भाई बचना था और ना देश का किसानी झंडा बचना था। उस रात को देश में आंदोलन का कत्लेआम होता, उसके बाद में देश में कोई आंदोलन नहीं हो सकता था। 148 लोग वहां पे थे और 8000 की पुलिस और गुंडे के तत्व पे वहां पे कब्जा करने की नीयत थी, लेकिन वे बहादुर लोग वहां पे थे जो 20 मिनट के बाद ही जो वहां से घोषणा हुई, वे 20 मिनट बहुत महत्वपूर्ण थे। जब देश की जनता साथ में खड़े हुई, जब हमने जल मांगा तो कनेला था, हरियाणा पूरा हरियाणा था, सड़कों के ऊपर था, पूरा उत्तर प्रदेश सड़कों के ऊपर था। ये तरह का तोड़ने का काम करेंगे हम, जोड़ने का काम करेंगे ये सरकारें। आपसे फिर वादा लेकर जाते हैं कि वहां पे अगर हमारी कब्रगाह वहां पे बनेगी, हम मोर्चा नहीं छोड़ेंगे। अगर हमारे को शहीद होना पड़ेगा तो हम मोर्चे पर होएंगे, या तो जीत कर आएंगे, बगैर जीतते नहीं आएंगे वापसी। ये अगर सरकारें देश में होंगी तो ये दंगे करवाने का काम करेगी। पहले भी नारे लगते थे जब टिकट साफ थे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ये नारे लगते थे। हर हर महादेव और अल्लाहु अकबर के नारे इसी धरती से लगते थे, ये नारे हमेशा लगते रहेंगे, ये नारे हमेशा लगते रहेंगे। दंगा यहां पे नहीं होगा, ये तोड़ने का काम करेंगे हम, जोड़ने का काम करेंगे। किसी गलत फहमी में मत रहना, ये देश हमारा है, ये प्रदेश हमारा है, ये जिले हमारे हैं। आप तैयार रहना। ये कहते हैं कि लाल किले पे किसान गया, अगर लाल किले पे नहीं, किसान तो अगर जाता तो पार्लियामेंट पे जाता जहां पे कानून बने हैं। लाल किले पे धोखे से लेके गए हैं आप हमको, हमारे लोग नहीं गए, धोखे से लेके आप लोग गए हैं। क्या कोई देश की एजेंसी है कि जो उसको जांच कर दे? क्योंकि कोई एजेंसी बोलने को तैयार नहीं है। पूरे देश पे इनका कब्जा हो चुका है, पूरी एजेंसियों पे। देश में कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है, कैमरा और कलम पे किसी प्रेस की हिम्मत नहीं कि वो किसान के पक्ष में दिखा दे। निगेटिव दिखाते हैं बहुत प्रेस के लोग, तो इन सब लोगों को आपको ध्यान रखना है। ये आंदोलन जारी रहेगा, वो 28 तारीख की जो काली रात है उसको आप याद करते रहना। हम वहां से हटेंगे नहीं, किसी भी कीमत पर वहां से जाएंगे नहीं। देश के नौजवानों का रोजगार का सवाल है, 450 रुपया क्विंटल गन्ने का इन्होंने भाव की बात करी थी, वो चाहिए हमको। हमको फसलों पे MSP की गारंटी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में फसलों के रेट दुगने होंगे, आमदनी दुगनी होगी। 3 महीने की बात रहेगी है, 1 जनवरी से बिकने वाली फसलें दुगने रेट पे बेचेंगे, ये प्रचार हम करेंगे। हम जाएंगे देश की जनता के बीच में, पूरे देश में संयुक्त मोर्चा आंदोलन करेगा। और हमने बार बार कहा कि हमारे पंच भी यही है, हमारा मंच भी वही है। आपने बात सुनी, ये 20 लाख से ज्यादा लोग मुजफ्फरनगर की जमीन पाए, इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी वॉलंटियरों का धन्यवाद। अभी हमारे कुछ लीडर रह रहे हैं, आप उनकी बात सुनोगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। बैठो बैठो।